नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आभा और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल कोश पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में EPF और PPF के बारे में जानेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसके बीच में क्या क्या अंतर है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि EPF और PPF क्या है। EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसको कर्मचारी भविष्य निधि भी कहा गया है। ये 1952 के तहत ये इसकी शुरुआत की गई थी। तो EPF बेसिकली, जैसा नाम सजेस्ट करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के लिए है। इसमें आपको पोस्ट रिटायरमेंट जो है, इसमें बचत के बारे में आपको बताता है कि आप कैसे जो है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद EPF खाते से जितना भी आपका बचत होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर्स का इसमें 12% कटता है उनके सैलरी से, और एम्प्लॉयज़ का भी 12% जो है इसमें उनके सैलरी से कटता है। तो ये तो हुआ EPF। PPF क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और EPF की सबसे अहम बात यह है कि एम्प्लॉयर्स के लिए होता है ये। तो ये जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए ही EPF अकाउंट होता है। तो अब चलते हैं PPF पर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये सबके लिए है, इसमें कोई भी वो नहीं है, इसमें आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई भी अपना जो है बचत कर सकता है। और लेकिन इसका जो टेन्योर है वो जो है 15 साल के लिए है। ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन इसमें जो आपको ब्याज दर है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि EPF और PPF में क्या डिफरेंस है। तो PPF में जैसे आपको 7.9% जो है ब्याज दर मिल जाता है, और EPF में आपको 8.65 जो है ब्याज दर मिल जाता है। कौन इसमें निवेश कर सकता है, तो PPF में कोई भी निवेश कर सकता है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में सिर्फ वेतन भागी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं। नियोक्ता योगदान इसमें मिलता है आपको, और इसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में नहीं मिलता। फिर न्यूनतम निवेश जो है वो 500 से आप शुरुआत कर सकते हैं, और इसमें आपकी बेसिक सैलरी जो है, क्योंकि वो अपने आप ही कटता है जैसे EPF में, तो 12% है। इसके अलावा लॉक इन अवधि जो है 15 साल, 5 साल ब्लॉक में विस्तार योग, और इसमें जो है आपकी सेवा न्यूनतम का या इस्तीफा, यानी कि आपके इस्तीफा या आप अगर आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका कोई भी लाभ उठा सकता है। इसमें कर निकासी पर इसमें कर कटौती योग्य है, इसमें भी कर कटौती योग्य है। फिर ऋण जो है इसमें आपको केवल विशेष मामलों में ऋण मिल जाता है, और इसमें आपको 3 साल से 6/6 साल तक जो है आपको इसमें ऋण मिलता है। कर छूट दोनों में ही है, और लिक्विडिटी केवल विशेष मामलों में है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में लिक्विडिटी नहीं मिलती। इसके अलावा हम EPF और PPF का एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें आपको कर लाभ है, आजीवन पेंशन है, बीमा लाभ है, संपूर्ण निकासी का विकल्प है, उच्चतर रिटर्न है, जो कि EPF में मिलता है आपको। PPF में आपको जैसे 500 से आप निवेश ही कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है आपके लिए। ब्याज दर इसमें आपको काफ़ी अच्छा 7.9% का मिल जाता है। फिर जो भी आप राशि जमा करते हैं उसके हिसाब से जो है आपका ब्याज जो है वो अच्छे से अगर आप चुका लेते हैं, तो समय के साथ जमा होने वाले सभी शेष धन संपत्ति कर से जो है वो मुफ्त हो जाते हैं। यानी कि जो टैक्स है, अगर आप अच्छे से समय पर जो है वो जमा कर देते हैं टैक्स, फिर आपका टैक्स नहीं होता है। तो ये तो है एडवांटेज इसका। इसके अलावा डिसएडवांटेज ऑफ EPF एंड PPF क्या है। तो सबसे पहले PPF खाते में जो है नुकसान देखते हैं, तो ये HUF, NRI जो है ट्रस्ट आदि द्वारा नहीं खोला जा सकता है। ये तरलता का अभाव है इसमें, इसमें 15 साल की बड़ी लॉक इन अवधि है। तो ये मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर PPF खाते में राशि जमा करने पर प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए का कैंपिंग होता है, और PPF खाता समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता। तो मृत्यु के मामले में छोड़कर इसमें आपको PPF खाता जो है आपको समय से पहले बंद आप नहीं कर सकते हैं। और संयुक्त खाता अनिमोन्य
नहीं है, यानी कि ग्रुप जो है ग्रुप खाता आप इसमें नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ की कमियां देखते हैं तो ईपीएफ केवल उन्हीं कंपनियों और कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने ईपीएफ के तहत पंजीकरण कराया है। इसका मतलब कि 20 वर्कर्स या उससे अधिक की कंपनियां यह स्वयं नियोजित या सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ईपीएफ योगदान कठोर और नियोक्ता और कर्मचारियों से वेतन जो है 12% का है। जैसे पहले हमने आपको कहा कि 12% का आपको इसमें आपको कट जाता है आपके राशि से। आप इस राशि से कम योगदान नहीं दे सकते हैं, इस मतलब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे कम आप करवा नहीं सकते। हालांकि आप वीपीएफ यानी कि अगर आप जो वीपीएफ में अगर आप निवेश करते हैं तो इसके तहत आपका जो है अधिक योगदान कर सकते हैं इसमें। ईपीएफ खोलने से 5 साल पहले निकासी कर योग यानी कि अर्थव्यवस्था में कई लोग ईपीएफ पंजीकरण कंपनी में 5 साल तक नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी आपने पहले ही 5 साल पहले अपनी जो है ईपीएफ अकाउंट खोल दिए तो इसके 5 साल तक आप नौकरी किसी और में नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बड़ी से छोटी कंपनियों में नौकरी करते हैं या स्वरोजगार करते हैं तो आप ईपीएफ में योगदान नहीं कर सकते हैं। इस मामले में ईपीएफ आपके पंजीकृत नियोक्ता से बाहर निकलने के 3 साल बाद ब्याज अर्जित करना बंद कर देगा। ईपीएफ खाते में आपका पैसा बेकार जाएगा। ईपीएफ दर म्यूचुअल फंड या नेशनल पेंशन सिस्टम के रिटर्न से मेल नहीं खाता। तो ये तो है इसका डिसएडवांटेज और जो एडवांटेज मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।